तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस पे आपको वाटर पोटेंशियल पे बात कर रहे थे जी, ठीक है, और लगभग लगभग मैक्सिमम बात कर लिए थे। यहीं पे आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, प्लस माइनस का खेल है यहाँ पे। बस यही है कि डाटा आपको समझ में आना चाहिए। अगर डाटा समझ में आएगा तो प्लस सर, माइनस। हाँ बोलो बोलो इसमें एक लाइन जो क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ वो नहीं समझ आ रहा सर। बोलो ना बोलो ना, कौन सा लाइन? सर है आपके पास बुक? हाँ जी है बुक, तुम बोलो ना। चलिए कि उसमें क्या बोलते हैं ये नीचे क्या नीचे से देखिएगा, उसमें तो लिखा हुआ फॉर अ सोल्यूशन एट एटमोस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज हाँ इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल। हाँ वो तो बोल देंगे, अभी बोल देंगे, वो तो अभी हम बोल देंगे, वो अभी हम बोलेंगे, ये बात बोलेंगे हम। उसके अलावा बोलो। उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ ठीक है, तो ठीक है, बस आज भर रुक जाओ, उसका हम नोट्स भी अवेलेबल कर देंगे ऑनलाइन, मतलब पीडीएफ फॉर्म में, आज रात भर, बस सुबह तक हम लोड कर देंगे। वाटर पोटेंशियल पे हम देंगे नोट्स, वाटर पोटेंशियल अभी इसके बाद ही, क्लास के बाद ही डीपीपी दे देंगे, है ना? वाटर पोटेंशियल और ऑस्मोसिस जहाँ तक पढ़ाए नहीं पढ़ाए, इसके बाद ही हम डाल देंगे जी, ठीक है? तो क्लास के बाद सुबह तक में बना लीजिएगा। वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं और, है ना, इसी का दूसरा नाम हमने रखा था आपको, वाटर का काइनेटिक एनर्जी या वाटर का एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो वाटर का, है ना जी, हम लोग देख रहे थे वाटर आपको रैंडमली मूव करता है, रैंडम मूव करता है, और इस रैंडमनेस को मेंटेन करता है सर कब, जब दो वाटर सॉल्यूशन को हम लोग लाके जोड़ते हैं जी, ठीक है? लास्ट क्लास में हम ये सब बात रखे थे वाटर पोटेंशियल को लेकर के, वाटर पोटेंशियल कैसे काम करता है, और वाटर पोटेंशियल के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू कर दिए थे जी, ठीक है? हम आपको डिफ्यूजन पढ़ा दिए थे, वाटर पोटेंशियल में वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, ये आप समझो, है ना? वाटर मूव रैंडमली, ये मूव करता है, रैंडमली मूव करता है। एक मिनट, शुरू करते हैं, है ना? वाटर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वाटर पोटेंशियल को हम लोग साई के फॉर्म में दिखाते हैं। ये आपको साई है, ये साई किसका है, तो वाटर का है जी, ठीक है? और इसका यूनिट क्या रखे थे हम लोग, पास्कल का यूनिट था इसका, पास्कल, या आप इसको प्रेशर भी बोल सकते हैं, आपको 10^-5 एटमोस्फेयर के बराबर होता है ये। और हमने कहा था आपको क्या, कि वाटर का जो आपको मॉलिक्यूल सब है, अगर आप सिर्फ पानी की बात कर रहे हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते हैं, मूव रैंडमली, है ना? ये आपको कैसे मूव करता है, रैंडमली मूव करता है, और ये आपको, है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है जी, ठीक है? उस सब को मिला करके हमने कहा था कि सब, जब दो सॉल्यूशन को, या सॉरी, दो कंटेनर को आप मिलाते हैं, और एक में ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, तो दूसरे तरफ जो कम वाटर पोटेंशियल देख रहे हैं उसके तरफ मूव करना शुरू कर देता है जी। ये तब तक मूव करता रहता है जब तक दोनों तरफ वाटर पोटेंशियल बराबर ना हो जाए जी, ठीक है? सीधे एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आइए कि वाटर का पोटेंशियल, है ना, तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है जी, ठीक है जी? हम आपको लास्ट क्लास में जब समझा रहे थे, तो हमने बताया था कि वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर पोटेंशियल पोटेंशियल ये आपको तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर, ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है। और तीनों का रिलेशन जब समझाए थे वेक्टरली, वेक्टर के फॉर्म में, तो हमने कहा था कि ये तीन फैक्टर में, एक सॉल्यूट पोटेंशियल है, एक प्रेशर पोटेंशियल है, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। अर्थ पे 5 मीटर के हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक ही जैसा होता है, अप टू 5 मीटर, 5 मीटर के हाइट पे, 5 मीटर हाइट तक सेम वाटर पोटेंशियल होगा, सेम वाटर पोटेंशियल, मतलब ये कांस्टेंट रह जाएगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ओवरऑल एक फॉर्मूला निकल के आया था इसका, वाटर पोटेंशियल का, सॉल्यूट पोटेंशियल, और, है ना, आपको किसका, है ना, ये प्रेशर पोटेंशियल का। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो निगेटिव होता था, और ये क्या होता था, पॉजिटिव होता था। इसको आज हम समझाएंगे अच्छा से, है ना? लास्ट क्लास में हम आपको सॉल्यूट पोटेंशियल समझा रहे थे कि सॉल्यूट का ताकत निगेटिव में गिना जाता है जी, ठीक है? उसके बाद हम आपको ये भी आपको समझा रहे थे कि जब आप एक प्योर वाटर को लेते हैं ना, तो प्योर वाटर को बाय कन्वेंशन से, प्योर प्योर वाटर को जब लेते हैं, है ना, बाय कन्वेंशन, है ना, कन्वेंशन से देखा जाए, है ना, कन्वेंशन एक फिजिक्स का टर्म है जिसमें सुविधा के लिए हम लोग एक एक्सिस मान लेते हैं और उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं।
पर बाय कन्वेंशन से देखा जाए तब हम लोग तब हमने कहा था कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल है ना, बाय कन्वेंशन से देखा जाए तो सर इसका वाटर पोटेंशियल जीरो होता है। वाटर पोटेंशियल कितना मान लिए थे, जीरो, अपनी सुविधा के लिए। डाटा अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो तो आप डाटा के अकॉर्डिंग से सॉल्व कीजिएगा उसको। डाटा नहीं दिया हुआ है तो आप उसको जीरो मान के चलिएगा जी, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है, एक कन्वेंशन है ये, ठीक है। और हमने आपको समझाया था कि सल्यूट है ना पानी के ताकत को घटाता है, वो कैसे, जब उसके साथ बीजी रखता है अपने आप को, मतलब उसको रैंडमनेस को कम कर देता है जी, ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि जैसे एक कंटेनर है ये, इस कंटेनर में ये सब वाटर का ड्रॉपलेट सब है, एक ड्रॉपलेट का ताकत अगर आप एक यूनिट मानते हैं जी, ठीक है, मतलब यहाँ पर आप लोगों को ये सब वाटर का मॉलिक्यूल सब दिख रहा है, वाटर मॉलिक्यूल सब है सर, हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक वाटर पोटेंशियल है। लेकिन जैसे ही आप इसमें सल्यूट ऐड करते हैं, सच आज रेक्टेंगल नाम का एक सल्यूट ऐड कर दिए, रेक्टेंगल क्या करेगा सर, बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लेगा और इसको मोशन में होने से रोकेगा, रैंडमनेस डिक्रीज करा देगा। जो पानी का मॉलिक्यूल पहले रैंडम मोशन में मूव कर रहा था ड्यू टू द सल्यूट, वो आप रैंडम मोशन छोड़ देगा सर, आपको रैंडम मोशन में आना आपको खत्म कर देगा जी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या होगा, वाटर का पोटेंशियल घटेगा जी, ठीक है। क्लास सब पढ़ाया हुए इसलिए हम थोड़ा सा तेजी में बोल रहे हैं सब चीजों को लेकर के। हमने कहा था अगर आप वाटर का पोटेंशियल जीरो मानते हैं तो सल्यूट के ऐड करने से है ना, सल्यूट ऐड होता है तो वाटर के पोटेंशियल को निगेटिव की तरफ ले जाता है जी, ठीक है। अगर आप दुनिया में प्रेशर को हटा दीजिए, प्रेशर को एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पर रखिए, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर करने का मतलब क्या है, खुले आसमान के नीचे कोई दबाव नहीं है, इसको सीधा इस हाइट पे ला करके हम लोग रख दिए हैं जी, ठीक है, रूम में। या मान लीजिए अगर ये बेस है इतना दूर पे तो यहाँ पे एक ग्लास पानी ला करके रख दिए हैं जी, ठीक है। जब आप नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे डालते हैं जी, ठीक है, नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे डाल देते हैं, एटमोस्फेरिक प्रेशर का मतलब एक होता है जी, ठीक है, हवा में एटमोस्फेरिक प्रेशर जो निकलेगा 1 एटीएम के आसपास होता है जी। यहाँ पे एटीएम एक प्रेशर का यूनिट होता है जी। अगर आप मान लेते हैं कि अगर शुरुआत में एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है और मान लो छात्र के लिए एक प्योर वाटर का कंटेनर है, तो कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, प्योर वाटर है सर। इस प्योर वाटर में जो देख रहे हैं, अब प्योर वाटर का कंटेनर में हम मान लेते हैं सर 100 पानी का मॉलिक्यूल है। अगर आप 100 पानी मॉलिक्यूल मान लो है ना जी, इमेजिनेशन करो कि 100 वाटर का मॉलिक्यूल है सर, तो सर इसका वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना, समझ रहा है। एक पानी के मॉलिक्यूल को एक यूनिट मानो, उस हिसाब से 100 के लिए कितना होगा जी, 100 वाटर पोटेंशियल होगा, कोई एतराज नहीं किसी भी स्टूडेंट को। लेकिन सर मान लीजिए कि इसमें हम जब सल्यूट ऐड करेंगे जी, ठीक है, फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग जब इसमें सल्यूट ऐड करते हैं, अब मान लो तुम सल्यूट इतना ऐड कियो, सर जितना सल्यूट ऐड किया उतना ही उसका वाटर पोटेंशियल हो जाए, कुछ दिमाग लगाओ कोई लड़का। अगर मान लीजिए इसमें 10 सल्यूट ऐड करते हैं तो आप बताइए सल्यूट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, वाटर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा सल्यूट का पोटेंशियल और 90 हो जाएगा किसका, वाटर का पोटेंशियल। सल्यूट की मात्रा को बढ़ाओ तो वाटर का पोटेंशियल क्या होगा जी, घटेगा ना, लग रहा है जी दिमाग यहाँ पे। आप इमेजिनेशन करो कि आप इसको 20 कर दिए, 20 सल्यूट का पोटेंशियल कर दो, 20 सल्यूट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, 20 सल्यूट का पोटेंशियल कर दोगे तो सर आपको कितना हो जाएगा, 80 आपको वाटर का पोटेंशियल हो जाएगा। ऐसे करते करते कोई लड़का अगर सल्यूट के पोटेंशियल को है ना ऐड करे, है ना जी, सल्यूट के पोटेंशियल को जितना ऐड करता है सर उतना ही वाटर का पोटेंशियल उसका क्या हो रहा है सर, आपको घट रहा है जी, ठीक है। कुछ दिमाग लग रहा है कि अगर आप सल्यूट के पोटेंशियल को एक से ऐड करते हैं तो सर आपको वाटर का पोटेंशियल एक से घट जाता है जी, दिमाग लग रहा है। -1 से क्या होता है, नीचे की ओर जाता है। अगर आप +1 ऐड करिएगा सल्यूट तो वाटर का पोटेंशियल क्या होगा, -1 से घटेगा। कॉमन सेंस लगाओ कि इसका रिलेशन क्या है, इन्वर्स का रिलेशन है, नहीं कुछ जा रहा है तो दिमाग में ये दोहराओ कि अगर हम 50 सल्यूट का पोटेंशियल ऐड करते हैं सर तो सर वाटर का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आप 50 ना, पहले 100 था और 100 में तुम 50 पानी का दाना मिला दिए, 50 पानी का दाना क्या किया, 50 वो पानी ताकत कम कर दिया, तो बचा कितना इसका, 50 ही ना पानी बचा जी, ठीक है। अब 50 क्या रहा जी, सल्यूट रहा। तो इस कंडीशन में जब बाहर से कुछ भी दबाव नहीं महसूस हो रहा है सर, इस कंडीशन में सल्यूट का पोटेंशियल वाटर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए इसका डायरेक्शन निगेटिव है, समझ में आ रहा है जी मार्जिन क्या बोल रहे हैं, ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर तुम -1 से ले जाएगा तो ये भी -1 ना हो जाएगा, नहीं कुछ जा रहा सॉरी, इस पे डिपेंड करता है ना, -1 से जाए तो ये भी तो -1 हो जाएगा,
हेलो। मतलब दोनों का पावर सेम रहेगा सर? नहीं, हाँ, दोनों का यूनिट तो सेम ही है पर डायरेक्शन अलग अलग है ना। अगर इसको तुम कुछ डालेगा तो ये भी तो घट जाएगा, लोग मतलब ज्यादा हाई जितना फाई नहीं डालेंगे है उतना ही टॉपिक। घटेगा। हाँ, उतना ही घटेगा, ठीक है, यूनिट मेथड की मदद से बना रहे हैं। तो इस केस में देखा था प्योर वाटर है, हम इसको अगर 100 मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें अगर हम 10 यूनिट ऐड करेंगे कच्चा सामान या कच्चा सॉल्यूट, तो उससे क्या होगा सर, इसका पावर 90 हो जाएगा ना, 10 घट गया। हम यही समझा रहे हैं, जितना सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही वाटर पोटेंशियल घटता है, अगर प्रेशर का कोई इफेक्ट ना हो तो। दिमाग लगाओ, ये 90 पे मत कोई फोकस करो, ये फोकस करो कि 10 कम गया, इस पे फोकस करो। 10 ऐड करने से 10 घट रहा है, मतलब जितना सॉल्यूट पोटेंशियल ऐड करेंगे उतना ही वाटर पोटेंशियल का भी वैल्यू घटेगा जी, डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। वो जो कोस्ट लाइन लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में, इस सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल एक समय ऐसा भी आ सकता है जब दोनों बराबर हो जाए। कब बराबर हो जाएगा? जब तुम 100 पानी के दाना में 100 वाटर पोटेंशियल था सर, और उसमें तुम क्या किया, 50 ठो नमक डाल दिया, तो सर अब घट के कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा ना। मतलब जितना पानी का ताकत उतना ही ताकत कितना किसका है, सॉल्यूट का ताकत है जी, ठीक है। इसका से क्या समझते हैं, सॉल्यूट और वाटर के बीच में, वाटर पोटेंशियल के बीच में यूनिट मेथड का रिलेशनशिप है। अगर एक की ताकत एक से घट रही है तो दूसरे की ताकत एक से बढ़ रही है। सॉल्यूट की ताकत 50 हो रही है सर, तो वाटर का पोटेंशियल 50 हो गया सर। क्यों? क्योंकि पहले 100 था और 100 में से आप 50 घट गया सर। अब 50 किसको गेन हुआ, सॉल्यूट को गेन हुआ। कुछ जा रहा है, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, जितना नॉर्मल बात है ये, ठीक है। अरे कैसे समझाए इसको हम, मान लिया इस क्लास में 10 स्टूडेंट है ना, 10 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट हट रहा है ना, तो उतना ही सीट खाली हो रहा है जी, ठीक है। मतलब एक लड़का उठ करके निकल रहा है क्लास से, है ना। या आप ऐसे भी उल्टा भी सोच सकते हो कि एक क्लास में आपको है ना, मतलब 10 तो सीट है ना, 10 तो चेयर है, और बाहर से सारा लड़का सब है। चेयर को तो मान लो प्योर वाटर है ना, सबका 10 है तो 10 पावर हो गया। एक लड़का आया है ना बाहर से, अंदर घुसा क्लास में, बैठ गया सीट पे, तो एक खाली सीट खत्म हुआ ना, अब 9 ही खाली सीट रह गया जी। जा रहा है जी, हेलो, कोई रिप्लाई जी करो, सर, जा रहा है। यस है ना, इजी सर, बात है, जितना जाए। हाँ बोलो, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हेलो। कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल सर, क्योंकि हाँ, वाटर डायरेक्शन पोटें नेगेटिव होगा जी, ये ऐसे कहोगी नहीं, डायरेक्शन के साथ करोगी नेगेटिव, है ना, डायरेक्शन नेगेटिव होगा। अगर सॉल्यूट ऐड करोगी तो सॉल्यूट वाटर का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अरे वेक्टर पढ़ रहे हम लोग, माइनस प्लस वाला केस सब समझो, इन्वर्स नहीं करोगी, है ना, ठीक है। प्लस एक तरफ बढ़ाओगी तो एक तरफ घटेगा ना, वैसा टाइप का रिलेशनशिप है। आप सर ज्यादा आपका नहीं जो है, बोलेंगे नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर आपका जो आवाज आगे चल रहा है, वीडियो पीछे चल रहा है सर आपका। हाँ, ये क्या सर हो गया, वीडियो पीछे चल रहा है, आप बोल पहले और रहे हैं, बोल। वीडियो में बाद में दिखा रहा है। हाँ देखो तो जी, बाकी सब साथ ऐसा ही हो रहा है, जी सर, ऐसे ही यस हो सर, रहा है, जी सर, सब में हो रहा है। जी सर, हाँ लगता है एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है। क्लास पर होती है सर। हाँ चलो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक एक बात है, एक दिन का। सर ये देखो तो नेटवर्क तुम्हें भी यही हो प्रॉब्लम रहा है हो, जानन। मेरे मोबाइल में तो सही दिखा रहा, हम बोल रहे हैं, वो जैसे हिला रहा तो उसे यस इसमें सर, भी हो रहा सही है, है सर, पता नहीं। सही सही है सर, मेरे है, वाले में भी ऐसा है। यस सर, सही है पूरा। सही है, जैसे बोल रहे वैसे जा रहा है। हाँ सर, नहीं सही सर, है, पहले बोल रहे थे बाद जैसे में जा वैसे ही आ रहा रहा है। है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही आ रहा है बस। अच्छा, हम लिख रहे हैं A, A, B, C, D, E, देखो तो। सही सही है सर, नॉर्मल कैसे सर ई हो अभी गया, अब लिखे ठीक हो सर, गया, अब ठीक सर हो ई गया, अभी लिखे हैं सर। सही है सर। ये कहाँ लिखे हैं, ये लिखे ये कहाँ लिखे है? हैं, डी 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 दो, हम तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है इसमें, है ना। ये कुछ ये तुम्हें और कट करके फिर से ज्वाइन करो, जिसका दिक्कत हो रहा है एक बार कट करके देखो, फिर उसके बाद नहीं होता था अब फिर तो ठीक इसको हो कल गया से सर, मोबाइल पे चलाएंगे, ये सर ठीक हो गया नॉर्मल करो है बताओ। आपको। चलो ठीक है, तो अरे कोई अच्छा दिक्कत देखते नहीं है हैं सर, सही है। एक दो दिन की। हाँ सही है ना, अब लगता है लैपटॉप खरीदेंगे एप्पल का।
चलिए जल्दी जल्दी बोलते हैं, हमको ये जरूरी है नहीं तो ये पूरा हॉचपॉच हो जाएगा। देखिए हम पॉइंट बना रहे हैं अब हम इस पे, ठीक है, वाटर पोटेंशियल पे हम पॉइंट बना रहे हैं। वाटर पोटेंशियल को आप ऐसे भी कह सकती है, वाटर का काइनेटिक एनर्जी, वाटर का केमिकल काइनेटिक एनर्जी, केमिकल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में मूव करता है, है ना, वाटर मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में मूव करता है, रैंडम मोशन में मोशन शो करता है ना, वाटर मॉलिक्यूल शो रैंडम मोशन है ना, विच गिव क्या काइनेटिक एनर्जी, जो क्या करता है काइनेटिक एनर्जी देता है ना, और ये आपको क्या करता है वाटर मॉलिक्यूल मूव करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है जी, ठीक है। जब ये मूव करता है ना, जब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है ना, इसी को कहते हैं इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। हम तो कहेंगे डिफ्यूजन का डिफिनेशन कभी कभी तुमने ये वाला वर्ड बोलना कि वाटर के मॉलिक्यूल को कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखते हुए, मतलब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल चलता है मॉलिक्यूल वाटर का, तो इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं डिफ्यूजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जब ये तुम समझाने में कामयाब हो जाएगा ना, तब हम आपको ये बताएंगे वाटर पोटेंशियल को साई से इंडिकेट करते हैं। ये आपको साई पढ़िएगा इसको, साई ये डब्ल्यू का वाटर का पोटेंशियल है ना, ये आप प्रेशर के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू है ना, हम उस दिन में बताए थे ये इक्विवेलेंट होगा किसके, आपको इक्विवेलेंट टू प्रेशर। और एक्चुअली में वाटर का पोटेंशियल निकाला जाता है, वाटर पोटेंशियल मेजर किया जाता है जूल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, है ना, जूल बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग इसको डेंसिटी भी बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल का डेंसिटी, जो इक्वल होता है किसके आपको प्रेशर के या पास्कल के इक्वल होता है जी, ठीक है, पास्कल मतलब प्रेशर है ना। और हमने ये भी कहा था कि ये डिपेंड करता है, साई डिपेंड करता है तीन चीजों पे, साई ऑफ वाटर पोटेंशियल डिपेंड ऑन साई ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल, साई ऑफ प्रेशर पोटेंशियल, साई ऑफ ठीक है आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जी का मतलब यहाँ पे क्या होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये वेक्टर के फॉर्म में, एरो दिखा देने से आप लोग ये समझिएगा ये सब वेक्टर है, मतलब प्लस माइनस छुपा हुआ है जी, ठीक है, प्लस माइनस मैग्नीट्यूड जब लेंगे तब दिखाएंगे जी, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, ऑलवेज निगेटिव होता है, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव होगा, निगेटिव। और प्रेशर पोटेंशियल क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा जी, ठीक है, कुछ रेयर केस होगा, रेयर केस आप लोगों को सुनना ही नहीं है। और उसके बाद वाटर का पोटेंशियल डिपेंड करेगा, ये जीरो भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इन तीन चीजों पे, ये दोनों की वजह से इस पे इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है जी, ठीक है। हम आपको लिख भी रहे थे अभी कन्वेंशन के अनुसार, मान लिया गया कन्वेंशन के अनुसार कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो देखते हैं ये कितना होता है सर आपको जीरो होता है। सोल्यूशन का जो देखते हैं वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा सर आपको निगेटिव रहेगा जी, ठीक है, निगेटिव, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल क्या कर देता है उसको निगेटिव बना के रखता है जी, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूट सब में हम अंतर आप लोगों को पढ़ाए हुए लास्ट क्लास का वीडियो सब देखेगा। मार्जिन जुड़ गया, देखा जी बोर्ड अब सही चल रहा है, इधर अब सही चल रहा है, पता नहीं क्या हो जाता है सब में, देखते हैं, नहीं होगा तो फिर से वही कैमरा ही मोड पे आ जाएंगे, मोबाइल कैमरा मोड पे ही सर, उसका नेटवर्क इशू रहा होगा सर। हाँ एयरटेल लगाया ना रे, तब तुम्हारा ऐसा कैसे हो गया, जियो नहीं बोला, हम भी एयरटेल अभी नहीं हुए, अभी अपना खेत सबसे अच्छा है, जियो धन्यवाद एयरटेल भी है ना, वो लड़की घूमती रहती ना एयरटेल ले लो। सॉल्यूट पोटेंशियल पे आ जा है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल जो देखते है ना, ये आपको क्या करता है ना, वीजी कर देता है आपको, वीजी है ना, वीजी कर देगा किसको आपको है ना, या आपको
कंबाइन करता है, कंबाइन विथ फ्री वाटर मॉलिक्यूल है ना, कंबाइन विथ फ्री वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या कर जाता है, कंबाइन करता है जी। ठीक है, देखो लास्ट पर हम इसका थोड़ा सा आगे बोल रहे हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल है ना, ये सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है ना, ये आपको निगेटिव होता है और कभी भी सोल्यूशन में हम लोग बात करें, सोल्यूशन को और है ना सॉल्वेंट में बात करें, सॉल्वेंट और सोल्यूशन में, तो सर इसका वैल्यू हमेशा निगेटिव रहेगा वाटर पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में, इसका वाटर पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रह सकता है जी। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट जब भी बोलते हैं तो कुछ नहीं दिमाग में बोले, सॉल्वेंट बोले तो इसका मतलब आप लोग क्या समझोगे, वाटर की बात हो रही है। अभी हम लिखे भी बार बार, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है जी। ठीक है, अब सीधे आते हैं सेल में है ना, सेल में जब देखते हैं, सेल में आपको या तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, या तो आइदर जीरो होगा है ना, आइदर जीरो होगा या नहीं तो सर क्या होगा, निगेटिव होगा। कभी भी वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि हम अभी बोले थे, अभी हम लोग जिस इलाके में रह रहे हैं यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल है, कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई या लो नहीं हो सकता है जी। ठीक है, आप किसी भी माहौल में अडेप्ट है, इसका मतलब वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 के आसपास है जी। ठीक है, इसलिए आपके सेल में तुमसे रैंडमली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक सेल में वाटर का पोटेंशियल क्या हो सकता है, कुछ नहीं बोला है, सीधे पूछ दिया वाटर पोटेंशियल क्या होता है, दो आंसर होगा उसका, या तो जीरो होगा या तो निगेटिव होगा। एकदम सेल ऐसा कि प्योर वाटर है, जैसे तुम लोग को याद दिलाते हैं जेली फिश हुआ, उसके पूरे शरीर में 99% तक पानी होता है, या आपके शरीर में भी, या वाटर मेलन हुआ जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, ऐसा कोई फूड हुआ जिसमें पानी ज्यादा मिलेगा, या हम लोग अपने भी याद कीजिए, हम लोग 90 से 95% पानी होता है सर। अगर हम सेल में सब कुछ को इग्नोर कर दें, पानी को ही लेके चलोगे, तो जीरो तो होगा ही होगा। लेकिन सर हम सब जानते हैं सेल में बहुत कुछ मिला होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, नमक है, ग्लूकोज है, राइबोसोम है, व्हाटएवर बहुत सारा सामान मिला होता है। अब बहुत सारा सामान मिला हुआ है, जिसका मतलब क्या होगा सर, निगेटिव तो हो ही नहीं जाएगा। हम बोले थे आप लोग उस दिन, कचरा मिलाइए, सॉल्यूट का मतलब तुम लोग समझ रहे ना, नमक चीनी कुछ भी सर, कुछ भी, एक टैंकर पानी आया था उसमें आप कूद गए, इसका मतलब टैंकर का वाटर पोटेंशियल घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारा पानी बिजी हो जाएगा जी, जिससे उस टैंकर का जो वाटर पोटेंशियल होगा, प्योर वाटर पोटेंशियल ऑफ अदर टैंकर के तुलना में उस टैंकर का घट जाता है जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा है ना। अगर आप सॉल्यूट में है ना एट नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर को आप कांस्टेंट मान ले एट नॉर्मल प्रेशर पे, तो सर सॉल्यूट पोटेंशियल और वाटर पोटेंशियल का रिलेशनशिप ऐसा कुछ होगा जी। ठीक है, विथ नेगेटिव साइन के साथ, विथ नेगेटिव साइन के साथ है ना। और हमने ये भी सुनाया था आप लोगों को, मतलब ऐसे भी कॉमन सेंस लगाइए ना, ऐसे करके लिखेगा कोई लड़का है ना, ऐसे करके लिखता है ना, मतलब ये वाला हम आपको सुनाए हुए भी है, सॉल्यूट का पोटेंशियल क्या होता है, निगेटिव होता है ना, जब आप इसको लेना ही नहीं है, प्रेशर को लेना ही नहीं, कांस्टेंट को इग्नोर करना है ना, एक एटमोस्फेरिक प्रेशर को आपको लड़का एक नहीं लिख देगा। ठीक है, इसको इग्नोर करना, मतलब एक लिखा होता है ये इग्नोर हो चुका है अब। ठीक है, और आपको ये देखना है इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, देखिएगा तो निगेटिव में होगा सर। अभी हम आपको समझाए भी थे कि एक कंटेनर में 100 पानी का दाना है, अगर उसमें 50 तो कचरा मिला दोगे ना, तो पानी की ताकत 50 हो जाएगा, कचरा का ताकत कितना रह जाएगा, 50, क्योंकि 50 घटाया वो, तो 50 ताकत होगा तो ना, 50 घटाया जी, वो समझ रहे, हमने बोले थे 1 यूनिट मेथड की मदद से, तो इस हिसाब से तुम लोग इसको देख के जाएगा जी। ठीक है, हम आपको कहे थे कि अगर आज है ना क्वेश्चन में, गिवन क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन जो दिया गया है ना, उस हिसाब से सोच रही हो, आप इंडिपेंडेंट नहीं सोच रहे, क्वेश्चन के मुताबिक सोच रहे हैं कि एक सेल है, इस सेल हैव -15 वाटर पोटेंशियल है ना, इफ एस सेल एड -2 सॉल्यूट पोटेंशियल, ये सिंबल दिया रहेगा क्वेश्चन में सॉल्यूट पोटेंशियल, देन फाइंड ओवरऑल वाटर पोटेंशियल, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसके बाद उसका पूरा वाटर ना -17 हो जाएगा जी। ठीक है, सही बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, -17 वाटर पोटेंशियल हो जाएगा, ये घटाएगा जी, ये तुम ऐसे कोई सीधा सीधी कुछ, हम जो बोले गया ना, पहले -15 था, दूगो और आ गया, और ज्यादा घट जाएगा ना उसका वाटर पॉइंट। अभी हम ऐसे ग्राफ बना के समझाए थे कि आप एक्सिस पे यहाँ पे जीरो मानी थी, क्वेश्चन में जीरो रो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना सोचेगा,
क्वेश्चन में लिखा है -15, तो आप -15 सोचोगी, -15 मान लेते सर यहाँ पर है, ऊपर से और -2 डाल ले आप, ये और नीचे ले जाएगा, -17 पे ले जाएगा। आप कॉमन सेंस कहो या मैथ कहो या जैसे कहो, हम आपको समझा चुके हैं जी, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन मैंने लिखा रहता ना एक्सेल है ना, सीधे लिख देता इफ एक्सेल है ना आपको, इफ एक्सेल आपको, इफ एक्सेल एडेड विथ -2 वाटर पोटेंशियल, तो इसका ओवरऑल वाटर पोटेंशियल बताइए, सॉल्यूट पोटेंशियल -2 है, तब आपका आंसर क्या हो जाता, -2 हो जाता, जा रहा जी इस लैंग्वेज के आधार पे, ठीक है। प्रेशर नहीं दिया हुआ है तो ओवरऑल वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी पास्कल, पास्कल यूनिट है, पास्कल यूनिट के टर्म में लिखेंगे जी। जा रहा जी, देखो मेरा स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, यही जगह पे हम क्या पता कि हम उसको नहीं समझा पाते हैं या उल्टा फुल्टा दिमाग में सोच के जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को मूड को चेंज कीजिएगा, क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है वाटर पोटेंशियल तो वही उसको ही लेके बनाना है, ठीक है। और क्वेश्चन में वाटर पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तब आप जीरो मान सकती हो, ठीक है। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि सॉल्यूट पोटेंशियल लिख दिया है, इनिशियल वाटर पोटेंशियल लिख दिया था, इनिशियल ऐसे लिखे थे भी क्वेश्चन में हम, इनिशियल वाटर पोटेंशियल हम यहाँ पे 100 भी लिख सकते थे, ऐसा कोई लड़की नहीं सुना कि माइनस से कहा लिखे सर आप, ये भाई कुछ भी अभी तो हम लिखे थे बोर्ड पे कि वाटर का पोटेंशियल जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। लिविंग सिस्टम में तुम पॉजिटिव देख पाओ ये नामुमकिन सा है, क्योंकि एक सेल के अंदर में तुम या तो वाटर का मानोगे कन्वेंशन के अनुसार, या तो जीरो मान सकती हो या तो निगेटिव मान, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना, सेल में पानी है, पानी में एक जरा भी कचरा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ कचरा एडेड होता ही है, बायोमोलिक्यूल पढ़े थे तो हम बताए भी थे आप लोगों को, हमारे सेल में 70-90% तक पानी होता है, बाकी 10% माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एल्डर आइदर बहुत कुछ है सर, वो कचरा हुआ है ना, कचरा मतलब सॉलिड हुआ, ठीक है। समझा दिए जी, कंफ्यूजन नहीं है किसी को, अब आगे बढ़ो इससे। हम आपको कह रहे हैं कि अब प्रेशर लगा दो आप, ठीक है। हम देखिए कोई पानी का दोस्त भी है क्या, यस पानी का दोस्त है, इसका नाम है प्रेशर पोटेंशियल, है ना। प्रेशर पोटेंशियल पानी का दोस्त है जी, ठीक है, जो पानी की ताकत को बढ़ाएगा जी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम उस दिन भी आपको एक सैनिटाइजर का एग्जांपल देकर समझाए थे कि अगर आप सैनिटाइजर के बोतल को नीचे से प्रेस करती हो तो पानी का लेवल बढ़ेगा, ये तो कॉमन सेंस है। अगर आपके आसपास में पानी का बोतल है और वो स्क्यूज वाला पानी का बोतल है, ज्यादा टफ नहीं है, तो उसको दबाओगी ना तो ऊपर की ओर बढ़ेगा, ये तो कॉमन सेंस से भी आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो सर अब आ रहे हैं वाटर रिलेटेड विथ वाटर पोटेंशियल, आपको है ना वाटर का पोटेंशियल ऑल्सो रिलेटेड विथ है ना पोटेंशियल रिलेटेड विथ प्रेशर पोटेंशियल, ये प्रेशर पोटेंशियल के साथ भी रिलेटेड है। देखिए मेरा स्टूडेंट है ना, आपको जो पढ़ाया जा रहा है ना उसी पे ध्यान दीजिएगा। कोई लड़का हमसे ही पूछ देगा कि इसका कोई दूसरा नाम भी है या नहीं, तो हम बोल सकते दूसरा नाम, लेकिन अभी कंफ्यूजन मत रखो सबके लिए, है ना। इसका अभी आप लोग प्रेशर पोटेंशियल ही जानिए जी, ठीक है, या आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से भी इसको हम लोग बुला सकते हैं, ठीक है। एक नाम और भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से भी बुला सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम है ना, सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बुला सकते हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है ना, ऑस्मोटिक लिखो साइड में, एनसीईआरटी में कहीं पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दोनों का नाम ऑस्मोटिक है, नहीं यहाँ तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, देखो ना ठीक से, देखो यही फंसेगा तुम, जान लेना, देख लेना ये इस स्पेलिंग को तुम एकदम घोट जाओ, है ना, जो बोल रहे हैं ना, हम गड़बड़ नहीं बोल रहे, हम सही बोल रहे हैं अभी, हम ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल, यहाँ पे ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, देखो नाम स्पेलिंग में आगे पीछे का, ये प्रेशर पोटेंशियल है, और सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम ऑस्मोटिक पोटेंशियल, अगला वही टॉपिक आने वाला कुछ देर में, लेकिन अभी हम लोग अभी सीधा सीधी बात करें, जब जो दिख रहा है सोच रहे हो महसूस कर रहे होगे कि वाटर का पोटेंशियल रिलेटेड होता है प्रेशर पोटेंशियल के साथ। ये जो है ना सर आपको, ये आपको क्या करता है ना, ये आपको इंक्रीज करता है, इंक्रीज वाटर पोटेंशियल, ये वाटर का पोटेंशियल को बढ़ा देता है, ये कैसे बढ़ाता है ना, बाय पुश से, है ना, ये पुश से आपको ये बढ़ा देता है, ये मतलब धक्का देता है सर उसको इस तरह से कि वो उसका प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगी। अगर आप ग्राफ बना के समझ रहे हो ना, तो सर अगर आप मान लीजिए ये वाटर का पोटेंशियल है, तो सर वाटर का पोटेंशियल यहाँ इस केस में क्या होगा, है ना जी, अगर आपको सॉल्यूट पोटेंशियल नॉर्मल मान लेते हैं तो, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे यहाँ किस पे हो जाएगा, प्रेशर पोटेंशियल पे, और दोनों का सिंबल प्लस में हो जाएगा इफ सॉल्यूट को जो है ना सर आपको, सॉल्यूट क्या है सर आपको, इज आपको लिखा आपको इज एट 1 मोल, 1 मोल सॉल्यूट ले लेते हैं, तब 1 मोल का कचरा बहुत कम है, 1 यूनिट मान के निगलेक्ट कर दिए इसको, तुम लैब में ऐसा कर सकते हो कि 1 यूनिट मतलब कचरा डालें आप, प्रेशर बढ़ा रहे सर, तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे ना उतना पानी का ताकत क्या होगा,
बढ़ते जाएगा, कचरा नहीं डालना है इसमें आप, है ना। एक पानी का बोतल है, मान लो ये पानी का बोतल है, और तुम लोग देखा भी होगा ऐसा कुछ, है ना, एक्सपेरिमेंट करके, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, इसमें तुम पैड डालो या एक डंटा डाल दो या कुछ भी डाल दो, उसको जब डालोगे ना नीचे की ओर, तो पानी का लेवल अपने आप ऊपर की ओर बढ़ने लगता है, ठीक है। नहीं तो तुम पीछे से वो जो इंजेक्शन कोई खरीदा है ओला इंजेक्शन जो डालते हो, नीचे से ना एक पिस्टन रहता है, उसको तुम दाबते जाओगे पानी ऊपर भागते जाएगा। कभी गौर किया है ऐसा ला? ये तो बहुत कॉमन सेंस है ना, इसको दबाओ ना इधर की ओर, दबाओगे तो पानी का लेवल नहीं ऊपर की ओर भागेगा। अगर आप वाटर का प्रेशर, अगर पानी का प्रेशर अगर आप एक से बढ़ाते हैं, तो वाटर, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो आप ओवरऑल जब फार्मूला, दोनों फार्मूला को मिलाओगे ना, ये वाटर पोटेंशियल का फार्मूला है ना, किसके साथ, सॉल्यूट पोटेंशियल। आइए हमको कोई फिजिक्स मत पढ़ाने बैठना, या इसका ये ऐसे नहीं होता, ऐसे करिएगा वैसे, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा अभी आप उल्टा फुल्टा समझा रहे हैं। तो लास्ट में मेरा 11th का स्टूडेंट और मेरा कॉम्पिटिशन बैच का स्टूडेंट ऐसे समझ रहा होगा कि सर सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल दोनों का रिलेशनशिप किसके साथ है, वाटर पोटेंशियल के साथ है, जिसमें न्यूमेरिकली आपको ये दिया रहेगा। कन्वेंशनली हम बोल चुके हैं बार बार, कन्वेंशन मेथड के अकॉर्डिंग है ना, कन्वेंशन के अपनी सुविधा के अनुसार जो हम लोग देखते हैं है ना, कन्वेंशन मेथड के अकॉर्डिंग आपको ये दिया रहेगा कि सॉल्यूट निगेटिव में है। ये क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया जाएगा कि सॉल्यूट क्या है, निगेटिव में है, और प्रेशर क्या रहेगा, पॉजिटिव में। आपको बस पुटिंग द डाटा निकालिंग द आंसर का क्वेश्चन होगा, डाटा पुट करो आंसर निकालो, तुमको अपना दिमाग नहीं चलाना है। क्वेश्चन सीधा ऐसे रहेगा, ए सेल हैविंग -50 सॉल्यूट पोटेंशियल, देखो क्वेश्चन दे रहे हैं, ए सेल हैव -50 सॉल्यूट पोटेंशियल, ऐसे लिखने होता सॉल्यूट पोटेंशियल है, अभी ना पेन चलाए तुम लोग बनाओगी, ठीक है। एंड प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल इक्वल टू प्लस 40 है ना, 40 प्लस 40 प्रेशर पोटेंशियल, देन व्हाट इज द ओवरऑल वाटर पोटेंशियल, व्हाट इज द ओवरऑल वाटर पोटेंशियल, -10। हाँ, यही सोचना है, कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में, आप जैसे जोर घटा करती हो वैसे ही जोर घटा करना है। आप इको लड़की नहीं सोचेगी सर इसका माइनस करेंगे, ठीक है, तो हो गया, गया जीरो नंबर आ जाएगा, समझ में आ रहा है जी। कोई लड़का ऐसा ना सोच रहा था ना जी, अगर जो लड़का ऐसा सोचा गया क्वेश्चन उसका, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जोर दो उसको, तुमको वैसे कभी फेक ऐसा भी कर सकता है कि नहीं दिया, दिया ही रहेगा, नहीं दिया तो माइनस तुम मान के चलेगा, समझ में आ रहा जी। क्वेश्चन फिर से बताइए, नेट चला गया तो क्वेश्चन तो लिखा हुआ बोर्ड पे, एक सेल है जिसका -50 सॉल्यूट पोटेंशियल है, एस लिखा हुआ यहाँ पे, इसका मतलब एक सेल का है ना सॉल्यूट पोटेंशियल कितना है, -50 है जी, ठीक है, और प्रेशर पोटेंशियल जो है इक्वल टू +40 है जी, ठीक है, +40 प्रेशर पोटेंशियल, सिंबल पकड़िए आप लोग, है ना। देन व्हाट इज द ओवरऑल वाटर पोटेंशियल ऑफ दैट सेल, है ना, उस सेल का वाटर पोटेंशियल क्या होगा जी, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसी का तुम डाटा डालोगे आंसर निकालोगे, है ना, -50 डालेंगे और प्लस क्या डालेंगे, आपको केवल 40 डालेंगे जी, कुछ चेंज नहीं करना है, आपको इस दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है जी, ठीक है। -10 इसका आंसर हो जाएगा, पास्कल में लिखो तो आंसर आपको ज्यादा वैलिड हो जाएगा, मतलब यूनिट हो जाता है पास्कल, वाटर पोटेंशियल का वैलिड यूनिट क्या होगा यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पास्कल है, और आप -10 पास्कल लिखेंगे, समझ में आया जी जया क्या बोले। यस सर, हेलो, हो गया ना क्वेश्चन, बहुत इजी था, कुछ था ही नहीं है ना जी। इससे आगे बढ़ते हैं आप हम लोग, ठीक है। वाटर पोटेंशियल हम समझा दिए आपको, वाटर पोटेंशियल कहा जाता है कि एक रूट का वाटर पोटेंशियल है ना जी -2 से लेकर के -15 तक होता है जी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछेगा ये नॉर्मल या थ्योरी है जी, एनसीईआरटी में कहीं पे लिखना आप लोग, ये नॉर्मल आपको लिखा, आपको रूटेड सेल है ना हैव वाटर पोटेंशियल है ना -2 to -15 होता है। अगर आपको एवरेज लिया जाए, एवरेज -8 होगा। अगर कोई पानी वाटर का पोटेंशियल -8 है तो समझिए सर वो सबसे अच्छा समय है उसके लिए, ठीक है। अब तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ ना, कि अगर आप कोई पौधा लगाई हो, ठीक है, उस पौधे के रूट के अंदर में है ना, ये आपको एक गमला हुआ,
इसका जो रूट सिस्टम है मतलब ये जड़ हुआ, जड़ में आपको पानी का पोटेंशियल कितना है, -2 है, और ऊपर से तुम साफ जल डाल रही हो, ऊपर से फ्रेश वाटर डाल रही हो जिसका वाटर पोटेंशियल माने थे 0 है, 0 भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, हालांकि 0 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ किधर से किधर पानी जाएगा जी, 0 से माइनस नीचे से ऊपर से, हाँ 0 से -2 की तरफ जाएगा ना जी। देखो ना इसका ज्यादा वाटर पोटेंशियल नहीं कहे थे अभी शुरुआत से, यही ना क्लास हुआ था आज, वाटर पोटेंशियल इसका ज्यादा है 0 का -2 के रिस्पेक्ट में, तो पानी तो ना जाएगा अंदर की ओर जी, ठीक है, पानी अंदर की ओर भेजना चाहते हो है ना जी, इसका मतलब क्या होना चाहिए वाटर पोटेंशियल है ना जी, जड़ का कम होना चाहिए ना, तब ना मिट्टी का पानी अब्सॉर्ब होगा, कॉमन सेंस लगाओ। कोई 11th का टीचर बोला है ना कि 11th का चैप्टर जो पढ़ रहे हो, चैप्टर नंबर जो भी है अभी 11वां नंबर चैप्टर हम लोग शायद पढ़ रहे हैं, और उसी पे तुमको करा नहीं, इसी चैप्टर के आधार पे तुमको ये समझाओ कि कोई भी पेड़ का जड़ पानी क्यों ले लेता है, और तना में देते तो पानी क्यों नहीं लेता है, ठीक है, तना या पत्ता पे पानी डालते तो नहीं घुसता है, पर जड़ में डालते जड़ पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, तो तुम इसका लॉजिक लगाओ कि वाटर पोटेंशियल के आधार पे बोल सकते हो। आंसर तो बहुत सारा है, तो लड़का 4-5 का आंसर निकाल के बैठ जाएगा, ठीक है, बट हम कह रहे भाई इसी चैप्टर में जितना हम पढ़ाए ना आज उतना ही चैप्टर उतना ही सोच के बताओ, तो तुम इतना जवाब दे सकता है, जरूर वाटर पोटेंशियल का रिलेशन होगा सर, जड़ में वाटर पोटेंशियल कम होगा और मिट्टी में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा जी, ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहें, ज्यादा प्यासा भी होना सही बात ना है जी, -15 कर दोगी तो पेड़ सूख ही जाएगा ना, मतलब एक पेड़ ऐसा है जिसमें वाटर पोटेंशियल -15 हो जाए तो सर उसके लिए गड़बड़ वाली बात होगा ना, कुछ जा रहा जी डेजर्ट में है ना, हाँ ठीक है, क्या बोलना चाह रहे थे तुम, डेजर्ट में जो ज्यादा कम रहता होगा सर उसमें, डेजर्ट वाले में प्लांट, हाँ ठीक है, समझ में आ रहा ना, मतलब हम जो बोले सो याद रखिएगा, मिट्टी के अंदर वहां वही सही जा रहा है, हाँ तो उस जी सकता है, काहे नहीं जी सकता, वो उससे ज्यादा नहीं रहेगा, -15 से ज्यादा होगा तो जी नहीं पाएगा वो, ठीक है, क्वेश्चन समझा ना, ज्यादा पानी लॉस कर जाएगा तो उसके लिए ये भी एक प्रॉब्लम हो जाएगा जी, मतलब बहुत ज्यादा प्यासा हो गया ना, -15 समझा रहा ना, तो इतना डाटा हम लिखे है ना, एवरेज इतना होता है -8, इससे ज्यादा नहीं होता। तुमसे एक बार क्वेश्चन का नाम ट्विस्ट करके पूछा, मिट्टी का वाटर पोटेंशियल, मिट्टी का वाटर पोटेंशियल मतलब रूट के कंटेक्स्ट में बोल रहा है, आप -2 टिक करके आइएगा, समझ में आ रहा जी हम क्या होना चाहे, मिट्टी मतलब है ना, सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या मतलब क्या हुआ कि अगर आप सरफेस से पानी रखे वो अंदर जा रहा है, इसका मतलब अंदर का पानी का वाटर पोटेंशियल कम होगा ना, कुछ दिमाग लगाओ कूलर का है ना, ये गमला में पानी अंदर घुस रहा है सर, इसका मतलब ये हुआ कि गमले के अंदर में है ना सर वाटर का पोटेंशियल कम होगा और ऊपर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा, हालांकि तुमको हम जो एक्यूरेट थ्योरी पर आए ये है -2 से 15 रूट का बात कर रहे हैं, रूटेड सेल का, रूट के अंदर में जो सेल है उसकी बात हो रही है, लेकिन तुमसे कभी कभी लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा सॉइल का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो तुम दिमाग लगाओगी सर जरूर कम होगा, तब ना ऊपर का पानी अब्सॉर्ब होगा, कुछ कॉमन सेंस लग रहा है कि एक पानी मिट्टी में अब्सॉर्ब होता है, इसका मतलब मिट्टी का वाटर पोटेंशियल कम होगा और किसके रिस्पेक्ट में, आपके एक एक जग पानी जो रखी हुई हो उसकी तुलना में, ठीक है, हो गया समझा दिए, हाँ है ना, मैं जवाब दो, हेलो जी सर समझा दो, यस सर समझ गया ना, चलिए ठीक है, देखना एक इसी बुक में ना जब चैप्टर हम 18-19 है ना, चैप्टर 19 पढ़ाएंगे ना, तो एक समय उस चैप्टर पे हम बहुत बार एक शब्द बोलेंगे ऑस्मोलरिटी, ठीक है, एक शब्द बोलेंगे, उसके लिए तैयारी आज ही लिख देते हैं, देखते हैं चैप्टर 11 का पढ़ाया हुआ बात चैप्टर 19 में किस किस को याद रहता है, जिस दिन चैप्टर 19 हम पढ़ाएंगे उस दिन एक शब्द का बहुत चर्चा होने लगेगा ऑस्मोलरिटी, हम आज उसका मतलब समझा देते हैं लेकिन एक दिन हम ऑस्मोलरिटी का मतलब तुम लोग से पूछेंगे है ना, ऑस्मोलरिटी क्या होता है ना, ऑस्मोलरिटी ये आउट ऑफ सिलेबस है, अगर आप नोट बना रही है तो नोट में लिखते जाओगी, ठीक है, ऑस्मोलरिटी मोलरिटी, ठीक है ना, तो ऑस्मोलरिटी क्या होता है कि जब जैसे आप इन्हें गिवन सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल अभी इसका इस टॉपिक में कोई यूज नहीं है, बस समझा रहा है ऑस्मोलरिटी का डेफिनेशन, इन ए गिवन सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल डिपेंड ऑन मोर देन वन सॉल्यूट फैक्टर
है ना, सच सच सॉल्यूट्स एस लगा रहे हैं, सॉल्यूट्स पोटेंशियल पोटेंशियल इज कॉल्ड है ना ऑस्मोलैरिटी ऑस्मोलैरिटी। देखिए कि अगर एक गिलास पानी है, ये एक गिलास पानी में हम ये सब डॉट डॉट का मतलब पानी समझिएगा, ऐसे पांच तरह का सॉल्यूट घोल दिए, ए बी सी डी करके पांच तरह का सॉल्यूट है, ए बी सी डी ई है ना, ए दो बार लिख दिए, बी दो बार, मेरी मर्जी, डी है ना, सी है ना, दो बार लिख दिए। तो ए बी सी डी क्या है, सॉल्यूट है, हम क्या बोल रहे बार बार, पानी के अंदर कुछ भी मिलाया तो चलो सॉल्यूट मिला दिया, और सॉल्यूट पांच तरह का है सर, तो पांचों तरह के सॉल्यूट के पोटेंशियल को ऑस्मोलरिटी बोलते, बहुत इजी तो है, कहां कुछ हाथ पे लगा हुआ है, ठीक है, क्या समझा दिए, बोलो हाँ ना मैं, ऑस्मोलरिटी का मतलब समझ में आता है कि एक सॉल्यूशन में, हाँ बोलो तो बोलो तो बोल रहे कि एक बार और समझा दे, हाँ एक बार और समझा दे, पहले लैंग्वेज पढ़ देते हैं, इन ए गिवन सॉल्यूशन वाटर पोटेंशियल डिपेंड अपॉन मोर देन वन सॉल्यूट फैक्टर, किसी सॉल्यूशन में वाटर का पोटेंशियल है ना इफ करके लिख दे, ग्रामर ठीक कर लेना, इन ए गिवन सॉल्यूशन है ना वाटर पोटेंशियल डिपेंड अपॉन मोर देन वन सॉल्यूट फैक्टर, सच सॉल्यूट पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑस्मोलरिटी। अगर किसी सॉल्यूशन में एक से ज्यादा सॉल्यूट घुला हो और वाटर का पोटेंशियल सारे सॉल्यूट पे डिपेंड करता हो, तो इस तरह की घटना को ऑस्मोलरिटी बोलेंगे। जैसे हम पांच ऑस्मोलरिटी बोले ना, तो उसका मतलब तुम दिमाग लगाओ, एक सॉल्यूट से नहीं हुआ होगा ये पांच ऑस्मोलरिटी, पांच सॉल्यूट मिलकर के या पांच से ज्यादा सॉल्यूट मिलकर के ऑस्मोलरिटी लाया होगा। अभी क्लास चल रहा था, सिंपल सिंपल बात लेके चल रहे थे ना, ये एक गिलास पानी था है ना, इसमें 100 वाटर का पोटेंशियल था, कोई दिक्कत नहीं था किसी स्टूडेंट को, आई ऊपर से 50 सॉल्यूट ऐड किए हैं, तुम लोग सवाल नहीं पूछा, लेकिन हम अगर तुम लोग सवाल पूछता कि सर सॉल्यूट एक के जैसा ऐड किया, तो हम बोल दे हाँ चलो एक जैसा ऐड किए, तो एक तरह का सॉल्यूट ऐड किए तो सीधे सॉल्यूट पोटेंशियल बोल रहे हैं, और अगर हम पांच तरह का हम सॉल्यूट ऐड करके 50 पुराते हैं, कहते ए बी सी डी ई मिल के 50 है ना, तब तुम इसको ऑस्मोलरिटी बुलाता, कुछ जा रहा है ऑस्मोलरिटी में और है ना इसमें सॉल्यूट पोटेंशियल में थोड़ा सा अंतर, क्या समझ में पाया कि फिर से बोले मतलब जितने टाइप का सॉल्यूट सब रहता है उसको ऑस्मोलरिटी कहते हैं। हाँ 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 हाँ, एक से ज्यादा सॉल्यूट हो गया ना तो ऑस्मोलरिटी बोलेंगे, तब वहां पे सॉल्यूट सॉल्यूट बोल के नहीं बुलाएंगे, ऑस्मोलरिटी बोले तो टीचर समझ जाएगी, जैसे हम टिश्यू बोलेंगे तो तुम नहीं समझा 5 को सेल का बात हो रहा है एक साथ, 10 को सेल का बात हो रहा है एक साथ है ना, टिश्यू जैसे हम बोलते हैं तो आप लोग के दिमाग में पिक्चर बन जाता है ना ग्रुप्स ऑफ सेल होगा, उसी तरह जब हम ऑस्मोलरिटी बोलेंगे ना तो ग्रुप्स ऑफ सॉल्यूट होगा, कुछ अंतर नहीं है, हम कोई नया हाथ पर नहीं पढ़ा दिए, जैसे हम कहीं आप कोई चैप्टर में हम यूज कर रहे हैं ऑस्मोलरिटी पोटेंशियल इतना था, तो तुम ये समझ जाना कि भाई सॉल्यूट की बात हो रही है, घबराने की बात नहीं है कि हमको सबका अलग अलग से पूछा जाएगा कि एक एक का कितना सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है, समझ में आ रहा है, जब एक से ज्यादा सॉल्यूट आ जाए दिस मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल, यहाँ पे जो सॉल्यूट्स पोटेंशियल होंगे उसको ऑस्मोलरिटी के नाम से भी बुला सकते हैं, मतलब कोई लड़की कहेंगे इतना को वन वर्ड में कहिए आप, वन वर्ड में कहेंगे ऑस्मोलरिटी है ना, मतलब सॉल्यूट्स के पोटेंशियल मोर देन वन सॉल्यूट्स के पोटेंशियल को एक साथ हम लोग ऑस्मोलरिटी के नाम से लाते हैं, या एक से ज्यादा सॉल्यूट को ऑस्मोलरिटी बोलते हैं, जो भी कहो जो ना तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि सॉल्यूट का मतलब है ना सॉल्यूट पोटेंशियल भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बोले यूनिट मेथड के हिसाब से चलना होगा, क्या हो गया, हाँ ना मैं जवाब दो, आगे बढ़े सॉल्वेंट हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि पानी मिला है ना, चले बोले आगे आगे बढ़े जी, हेलो यस सर बढ़िए, सारे कह रहे हैं हम क्या करें, नींद आ रहा है सर, किसको नींद आ रहा है, तू पढ़ने के टाइम में तो किसी भी टाइम में नींद आ जाएगा, हम किसी भी टाइम में पढ़ाएंगे तुमको नींद आ जाएगा, ये लिख के ले लो, तुम सुबह में पढ़ो शाम में पढ़ो दोपहर में पढ़ो हर टाइम में नींद आता है, नींद में भी नींद आ जाएगा नींद में भी नींद आ जाएगा, थोड़ा सा पढ़ाने दो जी, अब नया दौर नया टॉपिक है ना ऑस्मोस, नया टॉपिक आ चुका है जी, ठीक है, वो जो रह गया ना वाटर वाला पोटेंशियल थ्योरी पढ़ना, तो हम उसका वीडियो बना बना के हम डाल देंगे, ठीक है, वो इसके लिए एक नया चैनल होगा और नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, उस पर सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग होगा है ना,
जैसे कुछ है ना यूट्यूबर सबको देखते हैं सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करता है ना, वैसे ही टाइप का हम भी एनसीईआरटी रीडिंग करके वाटर पोटेंशियल का डाल देंगे रात भर में। वो 2-3 मिनट का वीडियो होगा, ज्यादा नहीं लंबा खिंचाएगा वो, है ना। सिर्फ रीडिंग मारना है पीडीएफ फाइल बना बना के डेली। ऑस्मोसिस पे बात करते हैं, है ना। ऑस्मोसिस देखते हैं, है ना। ऑस्मोसिस क्या है ना, एक नया टॉपिक पे आते हैं हम लोग। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब होगा यहाँ पे सिंपल अपने स्टूडेंट को समझा रहे हैं, है ना। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन है ना, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड है ना ऑस्मोसिस, या थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बस 2 मिनट में छुट्टी दे देते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस के नाम से बुलाते हैं, जी, ठीक है। लेकिन सर ये तो बच्चा भी जानता है ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस समझाना मेन बात नहीं है, ऑस्मोसिस है ना आपको किस पे डिपेंड करता है। ऑस्मोसिस जो देखते हैं, ऑस्मोसिस 2 चीजों पे डिपेंड करता है। यहीं पे मेरा स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा समझना हम जो बोल रहे हैं। ऑस्मोसिस जो है ना फ्लो ऑफ वाटर से रिलेटेड है, पानी किधर फ्लो करेगा उससे, इसमें भी तो लिखे हैं, है ना, फ्लो ऑफ वाटर से संबंधित है। इसका कंपेरिजन जब करते हैं तो ऑस्मोसिस 2 चीजों पे डिपेंड करता है सर। एक होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। एक सर डिपेंड करता है सर आपको प्रेशर पोटेंशियल पे। फिर से एक बार यहाँ पे वैक्टर वाला बात हो रहा है सर। इसका मतलब इसका ये सिंबल सब जो है चेक करना होगा, ये निगेटिव होगा ऑलवेज, और ये क्या होगा सर आपको पॉजिटिव होगा ऑलवेज। प्रेशर पोटेंशियल जो देखते हैं है ना ये पॉजिटिव होगा। प्रेशर पोटेंशियल को ही दूसरे भाषा में क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, देखो कन्फ्यूजन है ना किसी लड़के को, इसी को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जितना हम शब्द सुधार है ना उतना ही तुम लोग दिमाग लगाएगा, उससे ज्यादा नहीं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को हम लोग एक शब्द और दे सकते हैं जिसका नाम क्या है, सोल्यूट पोटेंशियल। इधर टीचर बताएगा सोल्यूट पोटेंशियल तो उस टॉपिक से लेकर के ना ये कुछ जा रहा है, क्लियर है जी। ऑस्मोटिक पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। ऑस्मोटिक के जगह पे सोल्यूट है ना, और यहाँ पे है ना आपको ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया जी, पोटेंशियल की जगह पे क्या हो गया है, प्रेशर पोटेंशियल की जगह पे क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। कुछ दिक्कत है ना, नहीं समझ आ रहा तो इसको शॉर्टकट कर लो, ओपी प्लस क्या हो जाएगा सर आपको, है ना, आपको ओपी प्लस क्या हो जाएगा, है ना, टीपी नहीं करना यहाँ पे, पीपी हो जाएगा, यस पीपी बोलना सही है, प्रेशर पोटेंशियल, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है, जाने ना, है ना। इसको भी ओपी लिख देगा कोई लड़का तो कन्फ्यूजन, हाँ यही हम समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप ओपी लिखने के इसको भी ओपी लिख दोगे तो हो गया अलग कन्फ्यूजन, समझा रहा जी। सॉल्यूट पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, आइए तुम लोग नहीं समझ पा रहे तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करके लिख दो ना, ओपी माइनस में लिखना है और प्रेशर पोटेंशियल प्लस में लिखना है। अब प्रेशर पोटेंशियल दूसरा वैल्यू क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी है, ठीक है। डाटा वही है जो अभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, नाम खाली थोड़ा सा चेंज हो रहा है जी, ऑस्मोसिस के टर्म में लिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मूवमेंट की बात हो रही है सेल में। सेल मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कहाँ से लेके आएगा आपको, नहीं कि सेल में लेके आएगा ना, सेलुलर सब्सटेंस होगा ना जी। हमने कहते हैं ऑस्मोसिस तो एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन ये इसमें थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, हालांकि बहुत कुछ पढ़ाना था नहीं हो पाया, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। कल का क्लास बहुत भीवे होगा जी, ठीक है। अब थोड़ा सा टाइमिंग भी आगे भागेगा जी, थोड़ा सा टाइमिंग को भी हम लोग आगे ले जाएंगे, है ना, इससे आगे भी रहने दीजिए यहीं तक आज। सर जो आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, हाँ बोलो ना, बोलो ना।